नेम चेंज को लेकर हमारे चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए गए उससे कहीं ज्यादा कमेंट या फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज मैं जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। नाम परिवर्तन को लेकर कंप्लीट आपको गाइड मिल सके इसलिए मैं सभी तरह के प्रॉब्लम को इस चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकूँ। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी? नाम मार्कशीट पर नाम या फिर फादर्स नेम कैसे चेंज किया जाता है? नाम परिवर्तन के मामले में आपको क्या क्या समस्याएं आ सकती है? इसके लिए वीडियो हमने पहले से अपलोड किया है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर वो सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। आजकल आपको पता है नौकरी में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, पासपोर्ट में, सभी जगह आपके आपके नाम के साथ साथ आपके गार्जियन का भी नाम अच्छे से चेक किया जाता है। एक एक स्पेलिंग वर्ड मैच किया जाता है और किसी में भी किसी तरह का इनकरेक्ट होने पर सीधा आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाता है और आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आपको कुछ नया नहीं करना है, सेम प्रोसेस है जो कि नेम चेंज के लिए आप अभी तक करते आ रहे हैं या फिर देखते आ रहे हैं। सिंपल आपको गैजेट नोटिफिकेशन जारी करवाना होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन दिल्ली के द्वारा होता है। जिस व्यक्ति के माता पिता का नाम चेंज करवाना है वो व्यक्ति अगर माइनर है तो उसके माता पिता के द्वारा ही एप्लीकेशन किया जाता है। अगर वो व्यक्ति मेजर है तो वो 18 साल पूरा कर लेने के बाद वो एप्लीकेशन खुद ही कर सकते। गैजेट के लिए प्रोसेस क्या करना है उसके लिए लगभग सेम नेम चेंज के जैसा ही है, आपको कुछ नया इसमें नहीं करना है। जिसके लिए डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक पर दिया गया है, आप उस पर जाके वीडियो को पूरा देख सकते हैं कि सेल्फ नेम चेंज कैसे किया जाता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसके लिए आपको एक अंडरटेकिंग रेडी करना होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन के द्वारा दिए गए फॉर्मेट में ही करना है आपको। जब आपका अंडरटेकिंग रेडी हो जाता है उसके बाद आपको एक न्यूज़पेपर जो कि नेशनल न्यूज़पेपर हमेशा हिंदी या इंग्लिश में होना चाहिए और फॉर्मेट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के फॉर्मेट के द्वारा ही आपको पब्लिश कराना है। अंडरटेकिंग पर खुद कैंडिडेट के साइन होंगे। अगर अगर एप्लीकेंट 18 साल से कम उम्र है तो उसके गार्जियन का भी साइन होगा और साथ ही दो विटनेसेस के भी साइन होंगे। न्यूज़पेपर के लिए हमेशा हेडिंग पब्लिक नोटिस ही होनी चाहिए। फिर आपको दो नेम चेंज पर फॉर्मा रेडी करवाना होगा जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के साइट पर आपको मिल जाए। जो मटेरियल आपको गैजेट में पब्लिश होगा वो मटेरियल आपको एक सीडी में या फिर डीवीडी में डालकर रेडी कर लेना है और हमेशा वो फाइल विंडोज 7 में ही होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 में ही होना चाहिए। जो कि आपको एक मटेरियल रेडी करना होगा जो कि आपको पब्लिश करवाना है, वो आपको एक सीडी या फिर डीवीडी में डालकर नेम चेंज पर फॉर्म आपको दो कॉपी तैयार करना होगा और जो प्रिंट मैटर है उसको आपको एक सीडी या डीवीडी में डालकर सेव कर देना है। और इसके लिए फॉर्मेट एमएस वर्ड विंडोज 7 में ही होना चाहिए और सीडी में हमेशा प्रिंट मैटर ही होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं होगा। सीडी हो जाने के बाद एक सीडी सर्टिफिकेट तैयार करना है और उस सीडी सर्टिफिकेट में डिक्लेयर करना है आपको कि हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी सेम है। इतनी चीजें जब आपका तैयार हो जाता है तो आपको bharatpost.in पर जाना है और नेम चेंज के रिगार्डिंग आपको फी पे करना है। फी हमेशा डे बाय डे चेंज होते रहता है तो आपको जब जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको फीस का रेट आपको पता करना होगा। जब भी आप फी पे करेंगे तो उसमें आपको एक पीडीएफ दिया जाएगा, उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करके फाइल के साथ। ये सभी चीजें तैयार हो जाने के बाद आपको एक फॉरवर्डिंग लेटर तैयार करना होगा और उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करना है। इन सभी फॉर्मेट और सीडी न्यूज़पेपर के अलावा आपको गार्जियन के डॉक्यूमेंट जैसे कि जिसमें आपका नाम सही किया हुआ है उसका फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करवाकर सेंड कर। अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आपके गार्जियन का डॉक्यूमेंट अटैच करना है और सेल्फ अटेस्टेड करना है। अगर आप 18 साल से ज्यादा हैं तो आपको अपना और जिस डॉक्यूमेंट में आपके गार्जियन का नाम सही है वो
डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करवा के सेंड, साथ ही साथ आपको अपनी आइडेंटिटी कार्ड को भी सेंड करना है, आपके माता और पिता के सही सही नाम का भी आईडी प्रूफ आपको सेंड करना है, और जो गलत अंकित किया गया है उसे भी सेंड, पेरेंट्स का नाम चेंज करने के लिए भी सेम वही टाइम लगेगा 15 से 45 दिन। अगर आप सेल्फ जाकर सबमिट करते हैं तो 15 डेज, विद इन 15 डेज के अंदर में आपका पब्लिश हो जाता है। अगर आप बाई पोस्ट सेंड करते हैं तो 15 से 45 दिन के अंदर आपका पब्लिश हो जाता है। अब बात करते हैं खर्चे की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट खर्चा होता है न्यूज़पेपर को, जो कि आपके एरिया वाइज अलग अलग होता है, 2 से 3 हजार रुपए लग जाता है। बात करें आपको गैजेट के फीस के लिए, उसमें डे बाय डे चेंज होने के बावजूद इस समय 1100 रुपए मेजर के लिए और माइनर के लिए 1700 रुपए लगाया जाता है। तो आप इसके लिए आपको लाइव चेक कर लेना है कि इस समय क्या रेट चल रहा है। अंडरटेकिंग और फॉर्मेट तैयार करने में कुछ खर्चा आता है, वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। काफी लोगों का हमारे पास फोन आता है, जैसे कि झारखंड का केस है, वो लोग एफिडेविट पे साइन करने के लिए ही 5000 रुपए मांग रहे हैं, और वो भी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं था, फिर भी उनका 5000 रुपए चला गया। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, कोर्ट कैंपस में 99% लोगों को गैजेट के बारे में नहीं पता है, और जिन्हें पता भी है वो इस मैटर में पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसके लिए आप कहीं भी कोई भी इंक्वायरी करते हैं तो आपको कोई भी प्रॉपर गाइड नहीं मिलता है। जब आप गलत डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के पास सेंड करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, इतने खर्चे करने के बावजूद भी आपको एक रिजेक्शन लेटर मिल जाता है। ये आपको, मेरी राय यही रहेगी कि आप एक एक्सपीरियंस गाइडेंस को का हेल्प लें और पूरी तरह से राइट वर्क करें। इसके लिए आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और टाइम के साथ साथ आपका मनी भी वेस्ट नहीं होगा, और आपका काम भी हो जाएगा बहुत ही जल्दी। जब भी आप किसी का सपोर्ट लेते हैं तो आपका मिनिमम प्राइस में आपका काम हो जाता है। गैजेट पब्लिकेशन हो जाए तो आप अपने आइडेंटिटी कार्ड या फिर एजुकेशन सर्टिफिकेट सभी में आप अटैच करके आप अपना डॉक्यूमेंट राइट कर सकते। अगर आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम चेंज कराना है तो आपको सिविल कोर्ट से डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ले लेना है और सीधा यूनिवर्सिटी को सेंड कर देना है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और किस तरीके से आप अपने गार्जियन का डॉक्यूमेंट में, अपने डॉक्यूमेंट में नाम सही कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी आपके कोई भी लीगल सवाल है तो इसके लिए आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, उसमें आप मैसेज करके हमसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर इस काम के लिए आप हमारा हेल्प भी ले सकते हैं। मैं आपको फुल्ली गाइड कर दूंगा और मिनिमम फीस में आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ। ऐसे ही जानकारी आपको रेगुलर मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और किसी भी तरह का कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अपने ग्रुप में शेयर कर दें, जिसको भी ये प्रॉब्लम होगा वो हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।